सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो यार लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको बताया था विक्टम माइंडसेट के बारे में। तो यार इन दिस वीडियो ना मैं आपको फिर से इसी बुक से एक और लाइफ लेसन के बारे में बताने वाला हूँ, जो मतलब मैंने इस बुक को पढ़ के सीखा है। सो आज की इस वीडियो में मतलब मैं आपसे बात करने वाला हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में, और जो भी हमारे सेल्फ हेल्प गुरु है ना, इन लोगों के बारे में कि इन लोगों में आखिर क्या दिक्कत है, और मतलब ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले कॉन्टेंट से ना हमें आजकल क्या दिक्कत आ रही है, और वॉज द रॉन्ग साइड ऑफ सेल्फ अफर्मेशन एंड दीज सेल्फ हेल्प गुरुज एंड ऑल। तो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यार, हमें ना सोसाइटी ने इस वे में मैनिपुलेट करके रखा है कि हमें मतलब यही बताया जाता है कि द वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ इज़ बाय अचीविंग मोर एंड मोर। मतलब कि आपके पास ज़्यादा बढ़िया कार हो, आपका मतलब लाइफ स्टाइल ज़्यादा लग्जूरियस हो, आपकी ज़्यादा सैलरी हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसे अर्न कर रहे हो, आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला हो एंड ऑल। मतलब कि यार इन शॉर्ट हमें बस यही बताया जाता है कि अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो आपको लाइफ में बस और ही चाहिए। मतलब कि यार बस हमें अगर खुश रहना है तो हमें एक और बस यही बताया जाता है कि आपको बस यही चाहिए। अब देखो इसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि हम मतलब हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग गए हैं, हम मतलब हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़क्स देने लगे हैं। अगर मैं मार्क मैंशन के वे में बात करूँ तो उनका कहना है कि यार मतलब अगर हमारे पास कोई एक छोटी गाड़ी है, अगर हमारे पास मतलब कोई टू व्हीलर है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार काश हमारे पास एक फोर व्हीलर होता, काश मतलब हमारे पास कोई एक लग्जूरियस गाड़ी होती। अगर हमारे पास छोटा घर है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार काश मेरे पास भी बड़ा बंगलो होता एंड ऑल। तो यार इन दिस वे ना मतलब मार्क मैंशन ने हमें ये बताया कि यार हम बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा फ़र्क देने लग गए हैं, और इसकी वजह से ना हमारी जो पीस है, जो हमारी मेंटल पीस है, हम उसको भूल गए और हम उसको मतलब रियोन कर रहे हैं। एक और चीज़ जो सेल्फ हेल्प गुरुज हमें बताते हैं वो ये है कि मतलब वो ना मतलब एक पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में बताते हैं कि जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत से सेल्फ हेल्प गुरु हमें ये बताते हैं कि जैसे मतलब आप सुबह बेड से उठोगे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मिरर के सामने जाना और आपको ये कहना है कि खुद को मतलब आपको ये कहना है कि आप बहुत सही हो, कि यार मैं मतलब बहुत सही हूँ, यू आर ब्यूटीफुल एंड ऑल। तो यार अब देखो, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट से ऑल दिस थिंग्स, पर यार इस से ना एक और नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है। देखिए यार, जैसे हम जब ये सोचते हैं ना कि हमें और सक्सेसफुल बनना है, तो उससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रिगर करते हैं ना कि हम अभी सक्सेसफुल नहीं है। जैसे अगर आप मतलब मिरर के सामने खड़े होकर ये बोल रहे हो कि भाई तू बहुत सही है, यू आर ब्यूटीफुल एंड ऑल, तो यार उससे हम सबकॉन्शियसली ये भी तो ट्रिगर कर रहे हैं ना कि हम ये बिलीव कर रहे हैं कि हम अभी ये सब नहीं है, मतलब हम अभी ब्यूटीफुल नहीं है, हम अभी सही नहीं है। तभी मतलब हम खुद को ये छोटे दिलासे देते रहते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल एंड ऑल, या फिर यू आर सक्सेसफुल एंड ऑल। मतलब जो भी यार अपने आप को आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो ना, उसका एक नेगेटिव साइड ये होता है कि आप ये सोचते हो कि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो। जैसे अगर आप खुद को मतलब ये पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करोगे कि भाई तेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सही चल रही है, तो डीप डाउन आप ये फील करोगे कि यार मेरी लाइफ शायद अभी सच में सही नहीं है, तभी करके मतलब मैं खुद को ये झूठे दिलासे दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ सही है। समझ रहे हो? मतलब यार हम ना जो भी चीज़ें खुद को बताते हैं ना, जैसे मतलब जो भी हम चीज़ें खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में मतलब खुद को बता रहे होते हैं, उनका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि उस करंट मोमेंट पे हमारी वो अभी सिचुएशन नहीं है। मतलब जैसे मान लो आप बहुत सही अर्न कर रहे हो, पर आप ये चाहते हो कि आपकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि यार जैसे मान लो आप महीने के 50,000 कमा रहे हो, और उधर कोई एक दूसरा बंदा है वो महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा है, तो यार आप ये सोचना शुरू करोगे कि यार काश मैं भी 1,00,000 रुपए कमा पाता। मतलब आप उसके लिए ना खुद को मतलब तैयार करोगे कि आप उसके लिए चाहे आप जितना मर्जी मतलब हार्डवर्क करना शुरू कर दो, पर डीप डाउन आप ये सोचने लगोगे कि यार मेरे जो अभी 50,000 मैं कमा रहा हूँ ना, ये कम है, जबकि यार वो भी बहुत होते हैं, बिलीव मी। तो इन दिस वे मतलब जब आप खुद को ये स्टेप अप करने की कोशिश करते हो ना, तो इससे या फिर मतलब जब आप खुद को ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन देने की कोशिश करते हो, तो उससे आपका माइंड एक नेगेटिव रूप में भी ट्रिगर होता है कि आप एट द करंट मोमेंट, आप एट द प्रेजेंट मोमेंट वो नहीं हो। सो दैट्स आई थिंक अ नेगेटिव साइड ऑफ दिस सेल्फ हेल्प गुरुज और दिस पॉजिटिव अफर्मेशंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो मेरी बातें मतलब कुछ सेंस बनाई या नहीं। सो दैट्स इज आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सो दैट्स इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।